31 अगस्त 2022 को गणेश चतुर्थी है। इस दिन गणपति को घर घर में स्थापित किया जाता है। कहते हैं कि गणपति सभी विघ्नों को हरते हैं और बल और बुद्धि प्रदान करते हैं। यही नहीं, कहते हैं गणपति को घर में सही जगह पर स्थापित करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को 9, 10 या फिर 11 दिनों के लिए घर या फिर मंदिर में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, जल्द ही गणेश उत्सव का पर्व आने वाला है। देश भर में गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। जब बप्पा घरों में विराजमान होंगे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव का पर्व शुरू हो जाएगा, जो 10 दिनों तक चलेगा और अनंत चतुर्थी तिथि के दिन विसर्जन होकर समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का त्यौहार 31 अगस्त बुधवार से शुरू होगा। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न काल में स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ था। भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी और डंडा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं 31 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश उत्सव पर्व के बारे में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी बुधवार 31 अगस्त 2022 को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 30 अगस्त 2022 को शाम 3:33 पर, चतुर्थी तिथि समाप्त 31 अगस्त 2022 को शाम 3:22 पर। गणेश पूजा मुहूर्त सुबह 11:24 से दोपहर 1:54 पर। गणेश विसर्जन डेट दोस्तों 9 सितंबर 2022 को अनंत चतुर्थी के दिन। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन ये शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग सुबह 6:23 से 1 सितंबर को सुबह 12:12 तक। विजय मुहूर्त रात 2:44 से रात 3:34 तक। निशिता मुहूर्त सितंबर 1 को सुबह 12:16 से सितंबर को सुबह 1:02 तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। जब मंगलवार के दिन चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर कलंक का भागी बनना पड़ता है। भगवान गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग ना करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाना अति शुभदायक माना गया है। दुर्वा भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। दोस्तों, भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य देवता हैं। भगवान शिव ने गणेश जी को ये वरदान दिया था कि किसी भी तरह के शुभ कार्य और अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाएगी। तिजोरी यानी दोस्तों धन की पेटी अधिकांश घरों में होती है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपनी कीमती सामग्री और धन पैसा रखते हैं। ये तिजोरी कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आपकी तिजोरी सदा धन से भरी रहेगी। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करें। पूजा की सुपारी पूर्ण एवं अखंडित होती है, इसीलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मानकर उस पर चढ़ाते हैं। पूजा के बाद उस सुपारी को तिजोरी में रखें, क्योंकि माना जाता है कि जहां गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी का निवास होता है, साथ ही इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास भी बन जाता है। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत कुमकुम पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को अपनी तिजोरी में रखें। आपकी तिजोरी से कभी भी धन खाली नहीं होगा, हमेशा धन भंडार भरे रहेंगे। दोस्तों, आपको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।